अगर आप भी अपने मासूम बच्चों को कार में छोड़कर किसी दुकान से कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब जो खबर आपके सामने रखने जा रही हूँ उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे और मेरा पूरा मकसद आपको अलर्ट करना है। दरअसल फरीदाबाद से दिल्ली आया हुआ एक परिवार मिठाई खरीदने के लिए दुकान के सामने रुका। हस्बैंड और वाइफ कार को स्टार्ट कर छोड़ देते हैं, बच्चे कार के अंदर ही थे और दोनों दुकान पर चले गए। इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि वापस आने के बाद उनके होश उड़ गए। एक चोर जो ताक लगाकर बैठा हुआ था बच्चों को कार के साथ ही लेकर वहां से फरार हो गया। फरीदाबाद के इस परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ यह उनके लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जीवन भर के लिए एक सबक था। दिल्ली घूमने के लिए आए इस परिवार ने मिठाई खरीदने के लिए लक्ष्मी नगर के हीरा स्वीट्स के सामने अपनी गाड़ी रोकी, फिर पति पत्नी दुकान के अंदर बच्चों को सड़क पर ही कार के अंदर छोड़कर चले गए। और ऐसा नहीं है ये कोई पहली बार किसी ने किया होगा, ऐसे कई लोग करते हैं, हो सकता है आप भी करते हो। गाड़ी जो है बच्चों के हवाले छोड़कर फिर आप दुकान चले जाते हो कि भाई 5 मिनट का तो काम है, 10 मिनट का काम है, फटाफट करके आ जाएंगे। लेकिन इसी दौरान कार में जब बच्चे बैठे हुए थे वो बदमाश ताक लगाकर खात लगाकर बैठे थे, वो कार के अंदर दाखिल हुए, बच्चों को कहता है कि गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए जा रहा है। और कुछ देर के ही बाद जब पति पत्नी दुकान से बाहर आए तो गाड़ी समेत बच्चे वहां से गायब मिले। जब वो कार में बैठी बच्ची को फोन करते हैं तो वो ये कहती है कि गाड़ी कोई अंकल भगा रहे हैं। तभी गाड़ी चला रहा बदमाश फोन लेकर उनसे कहता है कि आपकी बच्ची किडनैप हो गई है, बच्ची को छोड़ने के लिए वो 50 लाख की मांग करते हैं। दिल्ली पुलिस ने बेहद अनोखे तरीके से हुई किडनैपिंग का मामला महज 2.5 घंटे में सुलझाया और किडनैप हुए दोनों बच्चों को उनके परिवार से मिला दिया। दरअसल मामला बीते शुक्रवार रात 10:30 बजे के करीब का है, जब फरीदाबाद की एक फैमिली अपने बच्चों के साथ जो है दिल्ली घूमने आई हुई थी और 10:30 बजे के करीब विकास मार्ग पर गाड़ी खड़ी करके रोड क्रॉस करके वो हीरा स्वीट्स में गए। हीरा स्वीट्स पर जाने के लिए उन्होंने मिठाई खरीदने के लिए वो गए और गाड़ी जो है स्टार्ट करके रखी और उस गाड़ी में उस दंपत्ति के दो बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें एक की उम्र 3 साल और एक की जो लड़की है उसकी उम्र 11 साल थी। लेकिन तभी वहां पर एक शख्स आता है और गाड़ी में बैठता है और बच्चों को कहता है कि वो गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रहा है, जिसके बाद गाड़ी लेकर वो वहां से निकलता है और गाड़ी को कई जिलों से होते हुए पहले जो है विकास मार्ग से वो सीधा वजीराबाद पहुंचता है, वजीराबाद के बाद वो निरंकारी पहुंचता है और निरंकारी के बाद वो अशोक विहार से वो यूटर्न लेता है शालीमार बाग के लिए, शालीमार बाग के बाद बुराड़ी चौक के बाद मुकरबा चौक और मुकरबा चौक से के फ्लाईओवर से नीचे उतरते हुए सीधा जो सिंगू बॉर्डर की तरफ रास्ता जाता है अलीपुर की तरफ वहां जाता है। अलीपुर में जो है खाली इलाका एक जंगल नुमा वहां पर वो गाड़ी पहुंचती है और उसके बाद वो वहां से बादली रेलवे स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां पर गाड़ी छोड़कर वो फरार हो जाता है। वही कार है उन दंपत्ति की जिसमें वो अपने दोनों बच्चों को स्टार्ट गाड़ी में बैठाकर एसी चलाकर और मिठाई की दुकान के अंदर जाकर मिठाई लेने गए थे, लेकिन जब 10 मिनट बाद वो बाहर आए तो गाड़ी नहीं थी। तकरीबन 3 जिलों की पुलिस ने जो है कोऑर्डिनेशन रखा गया, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की 20 गाड़ियां इस गाड़ी का पीछा कर रही थी, 50 पुलिस वाले जो है वो इस पूरी टीम में शामिल थे, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ वेस्ट, इसके साथ साथ आउटर नॉर्थ और रेलवे पुलिस की भी जो है मदद ली गई। लेकिन लगातार जो आरोपी है वो बच्चों के पिता को ये धमकी दे रहा था कि अगर पुलिस वालों को बताया तो तुम्हारे दोनों बच्चों मार दिया जाएगा, लेकिन पिता जो है पूरे विश्वास के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह से पुलिस को जानकारी नहीं दी है, जबकि पुलिस बच्चों के पिता के साथ ही थी। जब पति पत्नी को अपने बच्चों के किडनैप होने की खबर मिली तो वो सीधा पुलिस स्टेशन भागे। बच्चों के अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत एक्टिव मोड में आ गई। कार में मौजूद फोन की लोकेशन को पुलिस ने ट्रैक करके उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कई थानों में पुलिस ने गाड़ी का लगभग जो पूरी आइडेंटिटी थी उसको साझा कर लिया था और जब गाड़ी का पीछा किया गया तो ये मामला 2.5 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया गया। इस दौरान बच्चों के पिता और किडनैपर्स के बीच करीब 40 बार बात हुई। किडनैपर्स लगातार पैसे की मांग करते रहे, धमकी देते रहे, अगर पुलिस को बताया तो बच्चों को जान से मार देंगे।
जब बदमाशों को ये लगा कि उनका बचना मुश्किल है तो वो सुमेपुर बादली स्टेशन के पास ही गाड़ी को छोड़कर वहां से फरार हो गए। क्या पूरा मामला था, कहां के आप रहने वाले हैं, दिल्ली में क्यों आए थे, पूरी घटना बताइए। सर मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं। एक्चुअली में मेरी बेटी ने बोला कि उसको हीरा स्वीट से कुछ मन कर रहा है कुछ खाने का, तो लक्ष्मी नगर एक्चुअली में कई बार हम पहले भी आए हुए हैं, तो मैंने कहा ठीक है कि हम आज छुट्टी होती है तो हम लोग घर से निकले और उसको लक्ष्मी नगर हीरा स्वीट्स पे कुछ खाने के लिए लेके आए। बाई चांस वाली बात है कि मैं गाड़ी से उतरा, उसके लिए काजू कतली लेने के लिए उतरा, तो मेरी वाइफ बोली कि मुझे वॉशरूम जाना है, टॉयलेट आ रहा है, तो बाई चांस ये भी अपनी गाड़ी से उतर गई क्योंकि गर्मी का टाइम है, गाड़ी में एसी चल रहा था, तो दोनों बच्चे थे, मेरे दो बच्चे हैं और वो गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे, तो हम दोनों गाड़ी से उतर गए। हमने सोचा कि हम 2-5 मिनट में लेके आ जाएंगे, लेकिन इतनी ही देर में जब हम वापस आए, 7 से 8 या 9 मिनट हमें हार्डली हम वापस आए, तो हमें हमारी गाड़ी वहां खड़ी नहीं मिली जी। तो जब मैं गाड़ी खड़ी नहीं मिली तो मैंने तुरंत अपनी बेटी को फोन किया जो उसके पास फोन था, तो उसने फोन पहले तो नहीं उठाया, पूरी बेल गई, फिर उसके बाद जब दूसरी बेल गई तो उसने फोन उठा लिया, तो मैंने कहा बेटा कहाँ पे हो तुम, तो उसने बोला पापा मुझे पता नहीं है, हमारी गाड़ी कोई अंकल चला रहे हैं। तो ये बोलते के साथ ही जो भी वहां पे शख्स था गाड़ी में जो चला रहा था, उसने मेरी बेटी से फोन ले लिया और उसने सिर्फ एक ही बात बोली कि आपके बच्चे किडनैप हो गए हैं। और मैंने बोला तो आपको क्या चाहते हो आप मुझसे, तो मैं तो आपको नहीं जानता हूं क्योंकि मैं इतनी दूर से हूं, तो मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, अगर आप 50 लाख नहीं दोगे तो हम आपके बच्चों को खत्म कर देंगे। तो मैं घबरा गया, मैंने तुरंत फोन काटा और 112 नंबर पे फोन किया। सामने ही पुलिस की जिप्सी खड़ी थी, मैं तुरंत भाग के जिप्सी के पास गया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने कहा कि सर सामने लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन है वहां चले जाइए। मैंने ऑटो पकड़ा और मैं यहां आ गया। मैं जैसे ही यहां पे आया तो तुरंत जैसे ही मैं आया हार्डली 2 या 3 मिनट के अंदर तुरंत कार्रवाई हो गई। गाड़ी में थी, पूरा स्टाफ आपके साथ भी था, आपके हस्बैंड भी थे, आप पूरी घटना के बारे में। सर जैसे मेरे हस्बैंड ने आपको बताया बिल्कुल सेम वैसे ही था, एक SHO साहब के साथ मैं थी, एक SHO साहब के साथ हस्बैंड थे, और जो मेरे साथ SHO साहब थे वो ऑलमोस्ट 20-25 एरियाज में बोल चुके थे कि यहां से ट्रैक करो, यहां से करो, यहां से करो। उन्होंने पूरे सोर्स लगा दिए थे कि हमारे बच्चों को जैसे भी हो हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, और वो मुझे साथ साथ अपनी सिंपैथी और मेरे को भी हौसला बना रहे थे कि मैं भी पैनिक ना हूं, मैं ज्यादा नहीं उस चीज को वो करूं। उन्होंने पूरा पूरा टाइम हमारा साथ दिया। दिल्ली की सड़क पर पुलिस और किडनैपर्स के बीच लुका छुपी का ये खेल करीब 2.5 घंटे तक चलता रहा। आगे आगे किडनैपर्स और पीछे पीछे पुलिस की टीम। बच्चों को छुड़ाने के लिए पुलिस ने 20 गाड़ियों से बदमाशों का करीब 200 किलोमीटर तक पीछा किया। ATF, STF और RPF के इस जॉइंट ऑपरेशन में 50 पुलिसकर्मी शामिल थे। किडनैपर्स बॉर्डर क्रॉस ना कर पाए इसके लिए पुलिस ने टोल पर भी अलर्ट जारी कर दिया था। पहले किडनैपर्स अशोक विहार की तरफ भागे, फिर मुकरबा चौक, फिर अलीपुर, और जब किडनैपर्स चारों तरफ से बुरी तरह से फंस गए तो फिर वो कार छोड़कर पैदल वहां से भाग गए। अवनी जी, पूरा मामला क्या है ये, जिसमें दो बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे और माता पिता एक शॉप के अंदर थे और फिर उनका किडनैप हुआ, क्या मामला है? कल 28 तारीख को रात के 10:30 बजे हमें सूचना मिलती है कि दो बच्चों की किडनैपिंग हो गई है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है तो पाते हैं कि एक फैमिली जो फरीदाबाद से आई हुई थी घूमने, वो हीरा स्वीट्स के सामने गाड़ी खड़ी करके, पेरेंट्स बच्चों को गाड़ी में छोड़ के मिठाई खरीदने दुकान के अंदर गए। इस दौरान एक शख्स गाड़ी को लेके बच्चों को किडनैप करके वहाँ से फरार हो गया। गाड़ी ऑन थी इसलिए उसको, जबकि गाड़ी की जो थी फादर के पास थी, और उसको लेके वो वहाँ से निकल गया। इमिडिएटली हमने अपनी टीम्स फॉर्म की जिसमें हमारा ANS का स्टाफ, स्पेशल स्टाफ, ATS का स्टाफ, थाना सकरपुर, थाना लक्ष्मी नगर, ACP मधुविहार, और सभी टीम को मोबिलाइज किया, बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ कोऑर्डिनेट किया हमने, और टेक्निकल सर्विलेंस और तमाम हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए हमने ये ऑपरेशन चलाया, और 2 से 2.5 घंटे के ऑपरेशन चले उसमें, और हम बच्ची को रिकवर कर पाए। हमारे सर, एक चीज ये जानना चाहेंगे, क्या ये जो आरोपी है जो पूरी इस वारदात को अंजाम दिया जिसने, वो परिवार को पहले से जानता था, यानी कि इसने कैसे आइडेंटिफाई किया कि इस गाड़ी में ही जो है बच्चे हैं, और ये क्या पहले से कितने घंटे से वहां इंतजार? वो CCTV फुटेज वगैरह अभी चेक की जा रही है, तो सारा उसका जो मूवमेंट है वो किस समय से वहां पे मौजूद था, और वो सब चीजें एस्टेब्लिश की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जा रही है।
कितने किलोमीटर तक जो है आरोपी का पीछा किया, कितनी गाड़ियां पुलिस की इस ऑपरेशन में लगी हुई थी, कितना स्टाफ इसमें लगा हुआ? इसमें हमारी लगभग 20 गाड़ियां थी और 40 से 50 के बीच में हमारा स्टाफ इसमें एंगेज था ऑपरेशन में, और 2 से 2.5 घंटे ऑपरेशन ये चला है। लगभग 150 किलोमीटर के आसपास इसमें 150 से 200 किलोमीटर की टोटल हम चेसिंग के बाद हमने इसको। कितने जिलों से आपने कोऑर्डिनेट किया और क्या रेलवे पुलिस का भी कुछ योगदान मिला? हाँ, इसमें आरपीएफ से भी हमें सपोर्ट मिली और आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से भी हमें सपोर्ट मिली और वी आर थैंकफुल टू देम फॉर दैट। तो ये क्या लगातार बार बार रूट जो है चेंज करता रहा था? हाँ, यहाँ से अशोक विहार वजीराबाद अशोक विहार रूट लेते मुकरमा चौक से वो होते हुए वापस फिर समयपुर बदली रेलवे स्टेशन तक पहुंचा। तो इसने रैंसम कॉल कैसे की अपने फोन से कि जो परिवार जो बच्चों के पेरेंट्स हैं? जो बच्चों के मदर थी उसका फोन गाड़ी में था, उसी के द्वारा उसने रैंसम कॉल की जब कम्युनिकेशन हुआ। कितने पैसे की मांग की? 50 लाख रुपए की उसने रैंसम की। तो बच्ची और जो 3 साल का उनका उसका भाई था वो भी उस वक्त गाड़ी में था, तो बच्ची का स्टेट ऑफ माइंड क्या था, बच्ची इसे कैसे डील कर रही थी? बच्ची काफी बहादुर है, स्ट्रांग है, उसने सिचुएशन को बड़े अच्छे से टैकल किया और अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपने भाई का भी ढांढस बंधाया उसने और बच्चों को कोई हार्म नहीं पहुंचा,